अगर आपके मुंह में छाला है या आपके मसूड़ों में ऐसी तकलीफ है कि आपको लगता है कि आपकी अकल दाढ़ निकल रही है, या पीछे कहीं करके आप हाथ लगाते हैं तो आपको कोई दांत महसूस नहीं होता, लेकिन मसूड़े में आखिर में जाकर यानी इस जगह पर इतनी शदीद तकलीफ है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आप खाना खाते हुए भी मोहतात रहते हैं, आपको तकलीफ होती है, आप अक्सर ऐसे पाए जाते हैं। अगर आप खाना खाते हुए ऐसे करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए अपनी आजमूदा एक ऐसी दवाई लेकर आया हूं जिससे मुझे जबरदस्त आराम आया है और समझ लीजिए कि फौरी आराम आया है, और मेरा जो तकलीफ थी जो पिछले 2 हफ्तों से थी वो अब इसको इस्तेमाल करने के बाद 100 में से सिर्फ 2% रह गई हुई है। हालांकि आज सिर्फ इसका पहला दिन है और मैंने इसको सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल किया है। तो क्या दवाई है, कब इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में मेरा रिव्यू आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी इसको अपने घर पर मंगवाना चाहे, पाकिस्तान भर में कहीं भी, क्योंकि मेरी वीडियोस लोग दूर देहातों गांवों से भी देख रहे होते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं, खवातीन ऐसी होती हैं जो फार्मासिस्ट के पास नहीं जा सकती, तो वो हमसे ये मंगवा भी सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इसको इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से रुजू कर लीजिए। बहरहाल मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करता हूँ, इसको हम रखते हैं फिलहाल के लिए साइड पर। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि तकलीफ कैसी थी। नाज़रीन, तकलीफ ऐसी थी जैसे लग रहा हो कि जैसे पीछे करके एक और दांत निकल रहा है, लेकिन मैं उसको हाथ लगाता था तो कोई दांत महसूस नहीं होता था, बिल्कुल एक वही मसूड़े का जो एंड का पार्ट होता है ये वाला, बस वही महसूस होता था। लेकिन मसूड़े में ऐसी तकलीफ थी ऐसे लगता था कि सूजा हुआ है मसूड़ा, और खाना खाते हुए भी तकलीफ होती थी, और उसके अलावा यहां पर भी एक छाला निकला हुआ था, शायद आप देख सकें यहां पर, तो काफी तकलीफ थी। और आमतौर पर जब मुंह में छाले होते हैं तो हम लोग सोमोजेल इस्तेमाल करते हैं, बोनजेला इस्तेमाल करते हैं, वो वक्ती तौर पर सुन कर देती हैं जगह को, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बढ़कर कम से कम मैंने उसका मजीद कोई फायदा नहीं देखा। ये है कि तकलीफ हो रही होती है तो फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो थूक के साथ डिजोल्व होके हम उसको खा जाते हैं या पी जाते हैं तो वैसे वैसे उसका असर भी खत्म होता जाता है, और एक दफा लगाने के 20 मिनट के बाद वैसे ही तकलीफ दोबारा से शुरू हो जाती है, तो कोई देर पा आराम नहीं आता। तो आज मुझे ये डॉक्टर ने सजेस्ट की, मैं आपके साथ इसका नाम शेयर कर देता हूं, ये है जनाब एनजीक्लोर जेल, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, और ये है सोजिश सूजन और दर्द में मौसर जेल। ये देखिए, ये ऐसी दिखेगी। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको इस्तेमाल करें, आपके अगर मुंह में दर्द है आपको डॉक्टर के पास जाना है जरूर जाएं, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि मुझे किस दवाई से आराम आया, तो मुमकिन है आपको भी उससे आ जाए। तो इसके स्पेलिंग्स हैं ENZICLOR, एनजीक्लोर, एनजीक्लोर जेल है जी, 50 ग्राम की। माउथ अल्सर्स, डेंटर अल्सर्स, सोर गम्स एंड सोर टंग, इन सारी चीजों में ये मुफीद है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखती कैसी है, और ये ओरली इस्तेमाल की जा सकती है। ओरल इस्तेमाल का मतलब ये ऐसी चीजों को ओरल इस्तेमाल कहा जाता है जिनको आप मुंह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने सिंपली ये करना, देखिए ये ऐसी दिखती है, अगर आप देख सके करीब से, बस बिलाल जफर शो से हर किस्म का फायदा आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई भी अच्छी चीज मुझे पता चलती है, मुझे किसी चीज से आराम मिलता है, मुझे लगता है लोग तकलीफ में होंगे तो इससे पहले कि उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएं तो उनको मैं एक चीज बता दूं कम से कम जिससे मुझे आराम आया है, तो इसको कहते हैं एनजीक्लोर जेल। और आपने सिंपल ये करना है कि इसको आपने खोलना है, और इसके आगे ये सील होती है, इसको आपने खोलना है, इसको आपने जितना आपको चाहिए दरकार है बस इतना सा, ये भी एक जेल की तरह से ही होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसी है ये करीब से। ये देखिए, आपको नजर शायद ना आ रही हो, ऐसे जैसे पानी का एक ड्रॉपलेट होता है उस तरह से है ये, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह देखने में बिल्कुल सोमोजेल बोनजेला की तरह सही है। जहां पर आपका छाला है वहां पर आपने इसको ऐसे मलना है,
अच्छे तरीके से आपने इसको रब करना है, उसके बाद बस छोड़ देना है, आपके मसूड़ों की तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने खुद से लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए, आपके इलाके में मिल नहीं रही फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमसे ये मंगवा भी सकते हैं, ठीक है जी। एंजीक्लोर नाम है, एंजीक्लोर जेल। अगर मंगवानी है तो नंबर स्क्रीन पर गिवन है, आप इसको हमसे मंगवा भी सकते हैं। ऐसे ही मुफीद मशवरों के लिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा कनाडा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल है जिसमें हम आपको अपने पाकिस्तान से कनाडा की ट्रांजिशन, उधर की लाइफ आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान से परमानेंटली कनाडा मूव हो रहे हैं, तो अपनी कनाडा की जिंदगी आपके साथ शेयर करेंगे हमारा कनाडा चैनल पर। उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। और नीलाम घर ऑनलाइन के चलते मैं आपको बता दूं कि ये जो एल शेप सोफा है बहुत खूबसूरत, इसकी पूरी एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसके अंदर मल्टी फोम डला हुआ है और इसकी डबल कुशनिंग हुई हुई है, मतलब इसके जो ऊपर आप ये फूल भी देख रहे हैं, इसके ऊपर एडिशनल लेयर, मतलब मैंने खुद ये डिजाइन किया पूरा सोफा आपको विद दीज सिक्स कुशंस और ये पफी पूरा सोफा देखने मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पर शो कर देता हूं, जरूर देखिएगा। अगर आप खरीदना चाहें तो 90,000 का ये सोफा है, एल शेप्ड विद पफी एंड सिक्स कुशंस, पाकिस्तान भर में कहीं भी आप डिलीवर करवा सकते हैं। इसके अलावा चंद और चीजें हैं, जैसे ये वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, ये 10 केजी की सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है, 14,000 की, अगर आप चाहते हैं तो ये भी आपको आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। नाज़रीन, ये आपको हम करीब से दिखाए भी देते हैं, ये सुपर एशिया की 10 केजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फुली वर्किंग कंडीशन में है। इसको इस्तेमाल करना सिर्फ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि खातून खाना की सहूलत के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले दी गई थी, ताकि उनको कुछ भी अपने हाथों से निकाल कर निचोड़ना ना पड़े। उसके अलावा ये मशीन 100% वर्किंग कंडीशन में है, आगे पीछे ऊपर नीचे देख भी लीजिए, इसके बाद आपको इसको इस्तेमाल करके भी दिखा देंगे, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये 100% दुरुस्त कंडीशन में है। इस्तेमाल होती रही है, इस वजह से साबुन सर्फ वगैरह के रेजिड्यूज़ ऊपर जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये सफ़ेदी आपको दिख रही होगी। बहरहाल अच्छी तरीके से मांझ कर इसको साफ़ किया जाए तो वो तक उतर सकते हैं, अगर उतारना लाजमी हो। चले अब आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। ये हमने ऑन किया, यहाँ से हमने टाइमर सेट किया और देखिए नीचे इसकी मोटर चलने लग पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मशीन्स की चला करती है। अच्छी कैपेशियस मशीन है, 10 केजी की है। इससे पहले हमारे पास 8 केजी का सुपर एशिया का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी और स्पिनर था, वो दोनों 12,000 के बिके हैं, तो वो 8 केजी का था, ये तो फिर 10 केजी का वॉशिंग मशीन है, तो ये आपको मिलेगी 14,000 रुपीज़ में। पाकिस्तान भर से कहीं से भी आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। जिन खातून ने 8 केजी वाली ख़रीदी थी उनका रिव्यू भी पिछली वीडियो में शेयर कीजिएगा, देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत खुश हुई थी उनको, 100% बेस्ट कंडीशन में मिली थी। और ये भी आपको ऐसी ही कंडीशन में मिलेगी जैसे आप देख रहे हैं, बस आपने पेमेंट एडवांस करनी है वाया ईजी पैसा, जायज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं फॉर सेल, वो जानने के लिए आप पाकिस्तानी फैमिली प्रिपेयरिंग टू मूव टू कनाडा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर देख लीजिए, और कुछ भी पसंद आता है तो दिए गए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करें, पूछ लीजिए कि वो अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होगा हम आपको जरूर भेज देंगे। देखते रहिए बिलाल जफर शो, हमारा कनाडा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। अल्लाह हाफिज।